ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप एक अधिक किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं। भाई एक तो ए है हमारा जो 6 मिनट में भरता है और बी है हमारा 7 मिनट में, ये भी भरता है और ये भी भरता है, ठीक है ना। यदि दोनों पाइप बारी बारी से एक एक मिनट के लिए कार्य करें, भाई दोनों पाइप बारी बारी से एक एक मिनट कार्य करेंगे, मतलब पहले मिनट ए करेगा, दूसरे मिनट बी करेगा, तीसरे मिनट फिर ए करेगा, चौथे मिनट फिर बी करेगा, तो ये बारी बारी वाले क्वेश्चन मेहनत में समय तथा कार्य में भी कराए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि या तो वो दोनों भर रहे हैं या दोनों के दोनों खाली कर रहे हैं, तब ये कंडीशन लगानी है। और अगर एक खाली करेगा एक भरेगा तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज भी करना है आगे चलने में, है ना। तो अभी फिलहाल वो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाई इसने 6 मिनट लगाए, इसने 7 मिनट, तो टोटल वर्क बताओ कितना हो गया, 6 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 42, 6 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 6 बार, ठीक है। तो पहले मिनट में ये 7 काम करेगा, दूसरे मिनट में ये 6 काम करेगा, तो 7 ये करेगा 6 ये करेगा 13 काम हो जाएगा, ठीक है ना। 13 काम हो जाएगा, तो 13 से तो इसे भाग देंगे, 13 3 39, 13 3 39, लेकिन मैंने तुम्हें समय और कार्य में भी बताया था कि जब बारी बारी वाली कंडीशन आती है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, भाई 1 मिनट इसने करा और अगले मिनट इसने करा, तो काम 2 मिनट चल रहा है, तो 2 मिनट चल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 मिनट काम चलता तो 3 मिनट 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो देखो 3 6 6 को ये आ गया, ठीक है। अच्छा यहां से कितना बचा था, 13 3 39 बचा कितना, यहां से हमारा 3 ही तो बचा। अब ये 3 कार्य करने का नंबर किसका आएगा, ये 3 काम करने का नंबर जो आता है वो हमेशा स्टार्टिंग वाले का आता है, जिसने स्टार्ट किया था, है ना। वैसे तो इसने बोल भी रखा पहले एक को खोलें, तो अगर नहीं भी बोलता तब भी हम एक को ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस 3 काम को करने का नंबर आएगा आपको स्टार्टिंग वाले का आ जाएगा, और स्टार्टिंग वाला कितना काम करता है, 7 से लगा दे, तो बस यहीं पर हमारा आंसर बन जाएगा, इतना सा करना है। इसी तरीके से सेम मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, है ना। तो अगर किसी के थोड़ा कंफ्यूजन भी आया हो तो चैनल को उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वरना इस चीज को भी समझ सकते हैं, और दोनों में सेम कंडीशन है हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी वही है कि भाई ए 20 मिनट में भरता है, तो हम कहेंगे ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है कितने मिनट में, 25 मिनट में, ठीक है ना। भरता है बारी बारी से भरते हुए, मतलब दोनों बारी बारी से भर रहे हैं, पहले मिनट में ये, दूसरे मिनट में ये, दोनों भर रहे हैं भाई, ठीक। टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100, 20 5 100, 25 4 100, ठीक है। पहले मिनट ये भरेगा, दूसरे मिनट ये भरेगा, तो 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 9 भरेंगे, 9 से भाग कर दो, 9 से भाग करेंगे तो 9 1 9 बचा 1, 9 1 9, ठीक। और मल्टीप्लाई कितनी से करोगे, यहाँ पर 2 से, क्यों, क्योंकि पहले मिनट किसका काम, दूसरे मिनट किसका काम, तो ये हो गया 11 गुनी 22। अच्छा यहाँ से कितना बचा था, 9 1 9 9 1 तो बचा था, अब वो एक काम करने का जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो स्टार्टिंग वाले का आएगा। यहाँ नहीं बताया उसने किसने स्टार्ट कर रखा, हूँ हमेशा शुरू वाले को मानेंगे, एक को मानेंगे, ठीक है ना। तो और एक कितना काम कर रहा है, 5 5 से जब भाग दे दो और ये हमारा आंसर बन जाएगा, बस इतना सही करना है इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमारे बहुत है जिसमें दोनों के दोनों भर रहे थे या दोनों के दोनों खाली करते तब भी हम यही कंडीशन करते हैं, लेकिन अगर एक भरेगा और एक खाली करेगा तब क्या करना है वो देखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नल किसी होज को 10 मिनट में भरता है, भाई एक नल है जो उसे 10 मिनट में क्या कर रहा है, भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। अब दूसरा वाला जो नल है
तो 12 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, यदि खाली होल में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए बोला जाए, बारी बारी वाली कंडीशन है, ठीक है ना, और एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, 10 छह 60, 12 पंजे 60। ठीक है ना, देखो इसे भी हम शॉर्ट में ही करेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं करना हमेशा, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता बारी बारी वाला और एक बढ़ता है और एक खाली करता है, तो सबसे पहले ये जो टोटल काम है इसमें से भरने वाले को माइनस कर दो, भरने वाले को माइनस कर दो, उस काम को हम रोक के चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो 6 काम अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा बताओ, 54 काम। ठीक है ना, इस 6 कार्य को भी हमने क्या करा, रोक दिया यहाँ पर, इसे हम बाद में करवाएंगे, ये इसका शॉर्ट तरीका है और इससे ज्यादा शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये 54 काम हम इन दोनों से करवाएंगे। दोनों से कैसे करवाएंगे, देखो कि ये तो 6 भर देगा लेकिन ये 5 खाली भी तो भर देगा, तो कितना बचेगा, केवल 1, और 1 से इसे भाग दे दो, 1 से जब भाग दोगे तो 54 ही आएगा। ठीक, और एक चीज मैंने और बताई थी कि पहले मिनट का ये भरेगा और दूसरे मिनट का ये खाली करेगा, तो मिनट कितने होगा, 2, 2 मिनट काम चला है तो 2 से यहाँ क्या होगी, मल्टीप्लाई की, ठीक है ना, यहाँ से जितना भी आएगा काट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54 × 108। ये सारे मिनट थे हमारे, तो 108 मिनट। ठीक है, तो ये तो हमने 54 काम करवा दिया उनसे 108 मिनट में, लेकिन अभी तो काम हम रोक के चले थे, कितना काम रोक के चले थे, हमने 6 काम रोका था, हमने 6 काम क्या करा था, रोक दिया था। अब वो 6 काम भी तो होगा, तो ये 6 काम कौन करेगा भाई, ये 6 काम तो वो स्टार्टिंग वाले करेगा, जिसने स्टार्ट करा, और स्टार्ट कर रहा मैं, ए वाले ने चाहे वो बताए या ना बताए, क्वेश्चन में हमें तो एक कोई मांगना है ना, जो भरने वाला स्टार्टिंग वाला। तो अब 6 काम बचा है, 6 काम बचा है और ये करता है सिर्फ 6, तो 1 मिनट तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई, काम यहां से हमने 6 रोक के चले थे, तो 6 काम को ये 1 मिनट में तो खत्म कर देगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 करता है, इसका मतलब 1 मिनट और लग जाएगा, 1 मिनट और लग जाएगा, तो 108 ये और 1 ये कितना हो जाएगा, 109। बस ये आंसर बन गया हमारा, 109 मिनट। अगर मिनट में दे रखा है तो 109 कर दो, घंटे में दे रखा है तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 घंटा और बाकी के 49 मिनट कर दो। ठीक है ना, इसी तरीके से करना है, जब भी अगर एक भरेगा और एक खाली करेगा तो, और वो भी बारी बारी वाले में, अगर ये बारी बारी की कंडीशन ना कहता तो हमारा सीधा सा था, 6 में से 5 गया 1, 1 से 60 को भाग कर देते, 60 आंसर आ जाता है ना। लेकिन बारी बारी वाले में क्या करना है, पहले भरने वाले को रोक के चलना है, बाकी का काम दोनों से करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 2 मिनट काम चला। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है, इसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है कि भाई ए तो भरता है 45 में, लेकिन क्या है ये मिनट भरता है, और जबकि बी क्या करता है, खाली करता है 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है ना, मात्रक हम दोनों सेम रखेंगे। अच्छा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा इसका, 45 और 60, इसका हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 180। ठीक, 45 से कटेगा 4 बार और 60 से कटेगा 3 बार। ठीक है, आगे वो कह रहा है बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, अब देखो वही कंडीशन बन गई, बारी बारी से कर रहे हैं और एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो शुरू वाले के काम को हमें क्या करना है, रोक के चलना है, इस शुरू के काम को हम रोक के चलेंगे, तो काम कितना बचेगा यहां से, 176। इस 176 काम को हम दोनों से करवाएंगे, तो ये 4 भरेगा लेकिन 3 खाली कर देगा, तो काम कितना बचेगा, 1, 1 से इसे भाग दे दो, 1 से भाग दोगे तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, और मल्टीप्लाई 2 से, क्यों, क्योंकि 1 मिनट इसने करा और दूसरे मिनट में इसने करा, 2 मिनट काम चला है, तो 176 दो से कितना होता है भाई, गुणा कर लो, इनकी गुणा करेंगे देखो, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14 और 1 15, 1 बचा, 2 1 2 और 1 3, 352, 352 क्या मिनट। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये 4 काम भी तो रोक रखा है हमने,
और इस काम को नंबर किसका आएगा करने के लिए, स्टार्टिंग वाले का। और ये हमेशा देखो, जब हम हमेशा वो स्टार्टिंग वाले माइनस करेंगे और वो उतना ही काम करता है एक मिनट में, तो वो एक ही जुड़ना है बाद में, हर बार यहाँ भी एक जुड़ेगा और यहाँ भी एक ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो चार ही काम रोक के चले थे हम ये, और चार ही काम वो करता है एक मिनट में, तो एक ही तो जुड़ेगा, तो यहाँ एक प्लस और हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 353 मिनट, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर घंटे में दे रखा है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो, 60-60 मिनट के कितने घंटे बनेंगे, यहाँ पे 6 × 5 = 30, 5 तो घंटे बनेंगे और 53 मिनट बनेंगे, ठीक है। या तो 353 मिनट होंगे या 5 घंटे 53 मिनट होंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पर, लास्ट क्वेश्चन। एक पाइप किसी पहली टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, भाई जो पहला वाला है वो 40 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अब उसने बोला एक दूसरे पाइप का व्यास, इस पाइप के व्यास का दुगना है, इस पाइप के व्यास का दुगना है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये वाला पाइप, व्यास का मतलब क्या हुआ, ये वाला पाइप है, ठीक है ना। अब देखो मैं बता दूं, थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई, ये पाइप है, यहां से पानी खाली कर रहा है। अब एक दूसरा वाला जो पाइप है उसका व्यास इस पाइप से दुगना है, दुगने का मतलब ये हो गया, ये जो व्यास है इसका डबल है, ठीक है ना। तो देखो इससे ज्यादा पानी ये निकालेगा, है ना, ये ज्यादा खाली करेगा। उसने बोला है इस पाइप का व्यास दुगना है, यह पाइप भी इस टंकी के साथ जुड़ा है, मतलब ये वाला भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब उसने बोला दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को कितने समय में खाली करेंगे, दोनों पाइप खाली कर रहे हैं तो ये भी खाली कर रहा है, ठीक। अब देखो भाई एक कंडीशन तो थोड़ा सा ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्वेश्चन गलत भी तरीके से इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे ऐसा ही कि भाई जब ये 40 मिनट लगा रहा है खाली करने में, ये 40 मिनट लगा रहा है और इसमें से इतना पानी आ रहा है सिर्फ इतना, और इसमें से पानी आ रहा है डबल डबल, ये डबल खाली कर रहा है, तो ये तो समय हम कहेंगे भाई 20 मिनट ले लेगा, क्योंकि ये पानी ज्यादा ज्यादा खाली कर रहा है तो ये आधा समय लेगा। जब ये इसका डबल है तो भैया समय तो आधा हो जाएगा, क्योंकि इससे डबल काम कर रहा है, काम डबल कर रहा है, ये 40 मिनट लेगा तो ये 20 मिनट लेगा। एक कंडीशन से तो ऐसे बनता है, लेकिन ये कंडीशन हमारी गलत होती है, हम ऐसा नहीं मानते ये काम डबल कर रहा है तो समय इसका आधा हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन गलत है। किसी किसी बुक में इसके हिसाब से आंसर दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो ध्यान रखना। देखो अगर व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ब्रत हो गया तो व्यास हो गया यहां से लेके यहां तक ही पूरा, ध्यान रखना। अगर इसका व्यास इससे डबल है तो काम ये डबल नहीं करेगा, ये काम 4 गुना करेगा, ये काम 4 गुना करेगा, स्क्वायर में करेगा। ये जैसे इसका डबल बोला तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अगर वो कहता है इसका 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये काम 9 गुना करता, ठीक है ना। अगर वो कहता है इसका 4 गुना है तो हम कहते हैं 4 गुना है तो ये 4 गुना तो है, लेकिन काम 4 गुना नहीं करेगा, काम 4 का स्क्वायर करेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जितना गुना होगा उतना गुना काम नहीं करेगा, उससे उसका भी स्क्वायर में काम करेगा। तो अगर ये इसका डबल बोला है उसने, क्योंकि उसने बोला है वो दुगना है, तो इसका अगर ये दुगना है तो ये काम कितना करेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब इससे 4 गुना काम करेगा। अच्छा जब इससे 4 गुना काम करेगा तो चार, देखो मैं कहूं इसका दुगना काम करेगा तो समय दुगना का अपोजिट क्या होता है, आधा होता है, ठीक है ना। अच्छा इससे 4 गुना काम कर रहा है तो समय क्या हो जाएगा, 4 से भाग करके आ जाएगा, तो हम इसे 4 से जब अगर भाग करेंगे तो 4 × 40, इसका मतलब ये 10 मिनट लेगा, ठीक है ना। या ऐसा ध्यान रखना जब ये कार्य से 4 गुना कर रहा है तो ये समय इससे 4 गुना लेगा, ये 4 गुना काम करेगा तो 4 गुना समय ये लेगा, जैसे ये 4 गुना काम कर रहा है तो 4 गुना समय लेगा, जब ये 40 ले रहा है 10 समय लेगा, ठीक है ना। अब उसने बोला दोनों मिलकर खाली करेंगे दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 40,
चार सेकंड देगा बताओ कितनी बार, सॉरी 40 सेकंड देगा कितनी बार, एक बार, 10 सेकंड देगा कितनी बार, चार बार। दोनों के दोनों खाली करने हैं, पहला भी और दूसरा भी, एक ये खाली करेगा चार, एक दोनों मिल गया पांच खाली करेंगे और पांच अठे चालीस। इसमें हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं कि सर यहाँ दो से गुणा करो, क्योंकि बारी बारी बताया ही उसने, है ना, बारी बारी क्या करो, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, आठ हमारा आंसर, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।